खून पीने वाली खतरनाक प्रिंसिपल मैडम। शीतल एक अनजान शहर के सुनसान रोड पर खड़ी किसी टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तभी एक ऑटो वाला वहाँ आकर रुकता है और कहता है, कहाँ जाना है मैडम? भैया, क्या आप मुझे शनिवार वाला के इस पते पर छोड़ देंगे? माफ करिएगा मैडम, आप तो किसी अच्छे घर की पढ़ी लिखी मालूम पड़ती हैं। फिर भला आपको इस जगह क्या काम पड़ गया? अरे भैया, हम और हमारे कुछ और दोस्त गांव से यहाँ इतनी दूर शहर में जॉब के इंटरव्यू के लिए आए हैं। ठीक है मैडम जी, बैठिए। वैसे भी आजकल तो गांव हो या शहर, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और वैसे भी जगह आपको कोई ऑटो वाला भी नहीं ले जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों भैया? लोग कहते हैं जगह पर एक खून पीने वाली चुड़ैल घूमती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। फिर आप मुझे वहाँ ले जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? पापी पेट के लिए मैडम, जैसे आप इस पेट के लिए गाँव से यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हो गई, तभी मैं भी तैयार हो गया। गांव में तो सब सुना था, लेकिन शहर के लोग भी इन सब चीजों पर यकीन करते हैं, बिलीव नहीं होता। भैया बस यही पर रोक दीजिए। मैडम ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है और यहाँ कोई स्कूल भी नहीं है, आपका यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है। अरे भैया घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जहाँ जा रही हूँ उनसे मेरी फोन पर बात हो गई है, वो मुझे बस लेने आने ही वाली होंगी। धन्यवाद भैया। भगवान आपकी रक्षा करे। इतना बोलकर ऑटो वाला तेजी से ऑटो दौड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में एक अजीब सी बदबू शीतल के नाक से टकराती है और उसके पीछे से किसी महिला की आवाज आती है, आप आ गई? मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी मिस शीतल। क्या आप ही प्रिंसिपल जुलेखा है? हाँ, और मैंने ही आपको फोन करके यहाँ बुलाया है। लेकिन अभी अभी तो यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। आपने गलत कहा शीतल जी, अभी तक तो यहाँ सिर्फ मैं थी, लेकिन अब से हम यहाँ दो होंगे और फिर उसके बाद ये तादाद बढ़ती जाएगी। क्या क्या मतलब? शीतल के इतना कहते ही वो प्रिंसिपल जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक से उसका चेहरा डरावना और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। तुम्हारा गरम गरम खून पीने में मुझे बहुत मजा आएगा। शीतल को समझ पाती इससे पहले जुलेखा शीतल के पीठ में अपना दांत चुभो देती है और उसका खून पीने लगती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक शीतल की आंखें होटल के एक रूम में खुलती है और वो पसीने से तर हो चुकी होती है और उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही होती है। अरे शीतल, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? हाँ डोली, बहुत बहुत बुरा सपना था। मेरे तो हाथ पैर अभी भी डर के मारे कांप रहे हैं। तुझे पता है मैंने सपने में देखा, मैं इंटरव्यू के लिए जुलेखा प्रिंसिपल के पास गई थी और तभी वो अचानक से एक खतरनाक चुड़ैल में बदल गई और फिर उसके नुकीले दांत और आंखें खून की तरह लाल हो गई और वो तुम्हारी गर्दन में दांत कराकर तुम्हारे शरीर का गर्मा गर्म खून का मजा लेने लग गई, है ना? हाँ डोली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? ओफो, कम ऑन शीतल, ये इतनी सारी हॉरर मूवी देखने के बाद तो यही सब होगा ना। अरे यार, सपना ही तो था, इसको लेकर इतना क्या पॉजिटिव होना। शायद तुम भूल गए हो कि हम लोगों को कितनी मुश्किल से ये जॉब मिली है। हमें किसी भी हाल में इस जॉब को करना है। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें प्रिंसिपल जुलेखा मैम से मिलने उनके स्कूल जाना है। डोली, पर मैंने सुना है जुलेखा मैम तो बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो शनिवार वारा जैसे झोपड़पट्टी में क्यों अपना स्कूल चलाती है? वो भी एकदम सुनसान जगह पर जहाँ कोई ऑटो वाला भी जाने को रेडी नहीं होता। अरे यार, यही तो अच्छे लोगों की खासियत होती है। वो अपना स्कूल वहाँ चला रही है जहाँ लोग जाने तक से डरते हैं और वो वहाँ के गरीब और मासूम बच्चों को शिक्षा दे रही है। सोचो कितनी महान हस्ती होंगी वो। अब जल्दी चलो, लेट हो रहा है। उसके बाद तीनों दोस्त तैयार होकर जुलेखा मैडम से मिलने निकल पड़ती है और रोड के साइड में खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आकर रुकती है।
सकती है। कहाँ जाना है मैडम? भैया आप, अरे आप तो वही है ना, आप यहाँ कैसे? माफ करना मैडम, मैं आपको नहीं जानता। अरे भैया याद करो, आप कल रात मेरे सपने में आए थे और आपने ही मुझे शनिवार वाला छोड़ा था। ये सुनकर डॉली और तानिया गुस्से से अपना सर पकड़ लेती है। बस भी करो सीता, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम एक टीचर का इंटरव्यू देने जा रही हो और तुम्हें सपने और हकीकत में फर्क नहीं पता? चलो अब चुपचाप से टैक्सी में बैठो। अरे यार मेरा यकीन करो, कल रात यही ऑटो वाला मेरे सपने में था। फर्क बस इतना था, कल ये ऑटो से आया था और आज टैक्सी से। अरे मैडम अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। उसके बाद ऑटो वाला टैक्सी चलाने लगता है। जैसे ही टैक्सी शनिवार वाड़ा में पहुंचती है, तभी वहां अचानक से कुछ अजीब सा पक्षी उड़कर तेजी से उनके टैक्सी के आगे से निकलता है। तभी टैक्सी ड्राइवर अचानक से गाड़ी रोक देता है। मैडम मैं इसके आगे नहीं जा सकता, आप लोग यहीं उतर जाइए। पर भैया हमें तो थोड़ा आगे उतरना है ना, आप आगे चलिए। मैं इसके आगे नहीं जा सकता मैडम, आप इसके लिए चाहे मुझे पैसे दीजिए या ना दीजिए, पर मैं इसके आगे एक कदम और नहीं जाऊंगा। चलो यार उतरते हैं। टैक्सी वाला उन तीनों को वहाँ उतार कर वहाँ से तेजी से डरता हुआ चला जाता है। अरे ये अचानक इस ड्राइवर को क्या हुआ? देख मैं तो कहती हूँ चलो यहाँ से, यहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा और ना ही यहाँ आसपास कोई स्कूल नजर आ रहा है। तभी वहाँ सामने से एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़की आती है। आप लोग जल्दी हमारे स्कूल में चलिए, प्रिंसिपल जुलेखा मैम ने आप तीनों को बुलाया है। लेकिन उन्हें कैसे पता कि हम यहाँ आ गए हैं? हमने तो उन्हें कॉल भी नहीं किया, और तो और ये टैक्सी वाला भी हमें इतना पीछे ही उतार कर चला गया। आप हम लोगों की नई टीचर है और नई टीचर के बारे में जुलेखा मैम को सब कुछ पता होता है, अब आप लोग जल्दी से चलिए। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को काफी दूर एक खंडर परे सुनसान स्कूल के अंदर लेकर जाती है। क्या तुम लोग इस खंडर जैसे पुराने स्कूल में पढ़ती हो? वो लड़की बिना इसका कोई जवाब दिए सीधा प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में उन तीनों को ले जाती है। प्रिंसिपल मैम का ऑफिस अंदर से बहुत ही शानदार था और एक शानदार सी कुर्सी पर प्रिंसिपल मैम बैठी होती है और वो उन तीनों की तरफ देखकर कहती है, आ गए आप लोग, मैं ही इस स्कूल की प्रिंसिपल जुलेखा हूँ और मैंने ही तुम तीनों को यहाँ बुलाया है। हमारे इस स्कूल में आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान टीचर की भारी कमी है। अगर आप तीनों यहाँ हमारे साथ हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। अरे आप लोग तो काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, लगता है इस बेरोजगारी ने तुम तीनों के शरीर से सारा खून ही चूस लिया है, आराम से बैठ जाओ। न जाने उस प्रिंसिपल की आवाज में क्या जादू था, ना चाहते हुए भी वो तीनों दोस्त वहाँ चुपचाप से बैठ जाती है। तभी उधर से एक बूढ़ी औरत हाथ में ट्रे लेकर आती है जिसमें तीन ग्लास रखे होते हैं। लो शरबत पी लो, ये हमारे यहाँ की सबसे मशहूर रेड ड्रिंक है। इसे पीने के बाद तुम तीनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती और ताजगी महसूस हो, चलो अब जल्दी से इसे पी लो। शीतल, डॉली और तानिया जैसे ही अपना अपना ग्लास उठाती है उनके नाक में एक अजीब सी सरी हुई दुर्गंध घुस जाती है। छी, ये कैसी दुर्गंध है? दोस्तों ये कोई ड्रिंक नहीं है दोस्तों, ये किसी जानवर का सरा हुआ खून है। उसके बाद वो प्रिंसिपल एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। शीतल, मुझे तो लगा इन तीनों में तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन कल रात मेरा असली चेहरा देखने के बावजूद भी तुम यहाँ चली आई। ये सुनकर तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो तीनों सन्न रह जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तुमने सपना नहीं अपना भविष्य देख रही थी लड़की, और जानती हो तुम ऐसा क्यों देख पा रही थी? क्योंकि सबसे पहले तुमने ही वीडियो कॉल पर मेरा चेहरा देखा था। हम चुड़ैले भी कितनी अजीब होती है ना, फोन पर भी अपना असर छोड़ ही देते हैं। प्लीज प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। देखो हम आपके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, प्लीज हमें जाने दो। क्या अब तुम तीनों को यहाँ नौकरी नहीं चाहिए?
और वैसे भी तुम यहाँ से जाकर क्या ही करोगे? फिर से नौकरी की तलाश करोगे और जिंदगी भर गधों की तरह मेहनत करके मर जाओगे। इस गधों वाली जिंदगी से अच्छी है कि तुम भी हमारी तरह चुड़ैल बन जाओ और हमारी तरह ही नौजवान मनुष्यों का शिकार करके हमेशा जवान और ताकतवर रहो। इस स्कूल को गौर से देखो, यहाँ पढ़ने वाले हर एक टीचर और बच्चे चुड़ैल हैं और आज वो चुड़ैल बनकर काफी ज्यादा खुश भी हैं। चलो तुम सब भी अब हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, बहुत मजा आएगा। ये सुनकर शीतल जोर से चिल्लाते हुए कहती है, डाली और तानिया, अगर यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो भागो भागो यहाँ से भागो। भागो, जितना भागना है भागो, आखिर मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? वे तीनों जल्दी से भागकर स्कूल के गेट पर आ जाती है। तभी वो प्रिंसिपल अचानक से उन सबके सामने आ जाती है। नहीं नहीं भागो। उसके बाद वे लोग उस स्कूल के अंदर ही भागने लगते हैं और भागते भागते स्कूल के छत पर चले जाते हैं। देखो हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। अभी भी समय है, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। देखो पहले मुझे तुम जैसे टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब जमाना बिल्कुल बदल चुका है। अब इंटरनेट के जरिए हम तुम जैसे पढ़े लिखे बेरोजगार को ढूंढकर खुद ही उसे अपने पास बुला लेते हैं। आओ मेरे पास आ जाओ, आओ। नहीं 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 कभी नहीं। उसके बाद डोली कहती है, देखो पीछे एक नदी है, चलो हम उसमें कूद कर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अगर हमें जान बचानी है तो हमारे पास यही एक रास्ता है, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ो। उसके बाद तीनों दोस्त उस स्कूल के छत से नदी में कूद जाते हैं और फिर तैर कर वहाँ से बाहर आ जाती है। और फिर उसी दिन वे तीनों उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए अपने गांव चले जाते हैं। स्कूल में आई जान लेने वाली छलावा। ज्योति और श्वेता दोनों लाइब्रेरी में बैठी बुक पढ़ रही थी। तभी ज्योति श्वेता से कहती है, ये देख श्वेता, ये तो वही किताब है जिसे मैं पिछले कई दिनों से ढूंढ रही थी और आज मिल गई। तभी ज्योति देखती है कि श्वेता की आंखें अजीब तरीके से लाल हो गई है और वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। श्वेता, ये तुम्हें क्या हुआ और ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या श्वेता? लेकिन श्वेता ज्योति के किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है और ज्योति को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। श्वेता तुम्हें क्या हुआ है, तुमने कोई नशा वसा करना तो नहीं स्टार्ट कर दिया है? और ये तेरी आंखें एकदम से ऐसे लाल कैसे हो गई है? तभी श्वेता ज्योति को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, जान से मार डालूंगी। अरे अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी है, आखिर क्या हुआ है तुझे और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? प्रिंसिपल मैम बचाइए मुझे मैम। ज्योति भागते हुए प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाती है। प्रिंसिपल मैम मुझे बचा लीजिए, प्रिंसिपल मैम जल्दी चलिए मेरे साथ। वो देखिए ना श्वेता को क्या हो गया है, वो अजीब अजीब सी हरकत कर रही है और तो और बिना बात के ही मेरे पीछे मुझे मारने के लिए आ रही है, प्लीज मैम। क्या, पर क्यों, कहीं तुम दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई तो नहीं की? नहीं प्रिंसिपल मैम। तो फिर ऐसे कैसे वो तुम्हें मारने आ रही है, चलो कहाँ है श्वेता? उसके बाद प्रिंसिपल मैम और ज्योति दोनों बाहर आते हैं। तभी प्रिंसिपल मैम देखती है कि श्वेता किसी को घूर घूर कर देख रही है, जैसे कोई उसके सामने हो। श्वेता ये सब क्या है बेटा, और ये तुमने अपना हुलिया कैसे बना रखा है, क्या हुआ है तुम्हें? सब मरोगे, सब के सब मरोगे। ठीक है, माना कि तुम ड्रामा क्वीन हो और एक अच्छी एक्ट्रेस भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही दोस्त को डराओगी। अब अपना ये भूतिया गेटअप धोकर आओ और अपने क्लास में जाकर पढ़ाई करो। लेकिन श्वेता प्रिंसिपल की बातों पर कोई रिएक्ट नहीं करती है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। क्या,
तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? जाओ और जाकर पढ़ाई करो। ये मेरी तुम दोनों का लास्ट वार्निंग है, अब जाओ। मुझे कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई भी नहीं। पागल वागल हो गई हो क्या, या कोई नशा वसा करके आई हो? धीरे बोलो, वरना इसे गुस्सा आ जाएगा। अरे किसे गुस्सा आ जाएगा, और कौन है यहाँ? उसे तुम लोग देख नहीं सकते हो, वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है। वो ठीक तुम्हारे बगल में है। क्या मेरे बगल में? मैम ये क्या कह रही है मैम? कौन है मेरे बगल में? ज्योति अपना मुंह बंद करो, कोई नहीं है यहाँ, ये पागल हो चुकी है, लगता है इसे अब इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम सबको पड़ेगा। तुम अभी के अभी अपने घर जाओ और अगली बार अपने पेरेंट्स के साथ ही स्कूल आओगी, समझी? अब जाओ, पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो। और ज्योति तुम अपने क्लास में जाकर पढ़ाई करो। जाना तो एक दिन सभी को है, फिर देर किस बात की? इतना बोलकर श्वेता जोर जोर से हंसने लगती है और अगले ही पल वो अपने जेब से चाकू निकालकर अपना गला काट लेती है। ओह माय गॉड, श्वेता ये तुमने क्या किया और क्यों? श्वेता! उसके बाद प्रिंसिपल मैम श्वेता को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। इस घटना से स्कूल के सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर ज्योति को भी नींद नहीं आती है। आखिर श्वेता को क्या हुआ होगा, वो तो सुसाइड के सख्त खिलाफ थी, फिर उसने अचानक से अपना गला क्यों काटा? नहीं, श्वेता खुद से आत्महत्या तो नहीं कर सकती, जरूर जरूर किसी ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया होगा, लेकिन कौन? मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। अगले दिन सभी बच्चे अपने अपने क्लास में पढ़ रहे होते हैं और प्रिंसिपल मैम भी अपने कैबिन में बैठकर जरूरी काम कर रही होती है। तभी अचानक से प्रिंसिपल मैम अपने कैबिन में बैठी जोर जोर से हंसने लगती है। प्रिंसिपल मैम के हंसने की आवाज पूरे स्कूल में गूंज रही थी। सभी टीचर अपने क्लास से निकलकर प्रिंसिपल मैम के कैबिन में आ जाते हैं। मैम ये आपको क्या हो गया है, आप ठीक तो है ना मैम? ये आप किस तरह से हंस रही हैं? क्यों, मेरा हंसना तुम लोगों को अच्छा नहीं लगा क्या? मैम और इस तरह की आवाज में भला कौन हंसता है? बिल्कुल सही कहा तुमने, इस तरह की आवाज में कौन हंसता है, कौन हंसता है? उधर उधर देखो, वो हंसती है और मैं भी हंसती हूँ। अरे मैम आप सुबह सुबह पीकर आई हैं क्या, उधर तो कोई भी नहीं है। है, वो मुझे अपने साथ लेने आई है, मैं जा रही हूँ, तुम लोग भी अब जल्दी जल्दी आने की तैयारी करो, गुड बाय। इतना बोलकर प्रिंसिपल मैम भी हंसते हुए अपने आप को गोली मार लेती है। मैम आपको क्या हुआ मैम? ये सब देखकर ज्योति का सर घूम जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। ये मैं कहाँ हूँ और मेरे पैर में क्या हुआ? बेटा शुक्र है तुझे होश आ गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुझे होश आ गया ज्योति बेटा। आखिर हमारे परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तुम ऐसा कदम उठाने जा रही थी? कैसा कदम माँ, क्या परवरिश? माँ ये आप कौन सी बातें कर रही हैं? और मेरे पैर में चोट कैसे लगी? बेटा उस दिन तेरे स्कूल में प्रिंसिपल की डेथ के एक हफ्ते तक स्कूल बंद रहा और फिर जब स्कूल खुली तो सभी बच्चे पहले की तरह ही स्कूल पढ़ने गए। उस दिन तू भी स्कूल गई थी, लेकिन अचानक पता नहीं तुझे क्या हुआ, तू अपने क्लास की जगह स्कूल के छत पर चली गई और फिर वहाँ से कूद गई। वो तो भला हो उस बूढ़ी अम्मा का, उन्होंने तुम्हें अपने आंचल में कैच कर लिया जिससे तू अम्मा के आंचल से होते हुए नीचे गिरी और तुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना न जाने क्या हो जाता। माँ वो अम्मा कहाँ है, मुझे अभी उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो तो चली गई बेटी। चली गई? माँ मुझे उन्हें ढूंढना होगा, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है माँ। उसके बाद ज्योति अपने बेड से उठने लगती है। आह ज्योति तेरे पैर में फ्रैक्चर है, तू एक हफ्ते तक बेड से नहीं उठ सकती बेटी। माँ तब तक बहुत देर हो जाएगी, माँ मुझे जाना होगा,
वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे तैसे उठकर ज्योति हॉस्पिटल से उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद वो बूढ़ी औरत खुद ही उसे मिल जाती है। बेटी, शायद तुम मुझे ही ढूंढ रही हो, मैं यहाँ हूँ। तो आप ही हैं वो जिन्होंने मेरी जान बचाई। लेकिन अम्मा, मैं तो प्रिंसिपल मैम के डेथ के बाद बेहोश हो गई थी। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन मुझे इतने अच्छे से पता है कि मैं कभी सुसाइड नहीं कर सकती, और कूद कर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। जानती हूँ बेटी, वो तुम नहीं थी, तुम्हारा तो बस शरीर था, आत्मा तो उस छलावे की थी। छलावा? ये कौन है अम्मा, और क्यों एक एक करके हमारे स्कूल के लोग सुसाइड कर रहे हैं? तुम्हारे स्कूल में छलावा प्रवेश कर चुका है, और छलावा छल से ही सब पर अटैक करता है। उसका सबसे बड़ा हथियार छल ही है। अम्मा, अगर आप इतना सब जानती हैं, तो आपको ये भी पता होगा इसे कैसे रोका जा सकता है। प्लीज अम्मा, हमें बताइए इसे कैसे रोकना होगा। छलावा को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कि छलावे के छल से कोई नहीं जी सक, कोई भी नहीं। लेकिन एक रास्ता है। कैसा रास्ता? छलावे के छल को छल से ही रोका जा सकता है बेटी, और तुम उसे रोक सकती हो, क्योंकि तुम छलावे के छल से बच चुकी हो, तुम उसे हरा सकती हो। लेकिन अम्मा, ये छलावा मुझे कहाँ मिलेगी? वो उस स्कूल के अंदर ही है। वो एक बार जहाँ अपना डेरा बना लेती है, बिना उस जगह का विनाश किए बाहर नहीं आती है। अब उस छलावे को ढूंढना तुम्हारा काम है। और हाँ, ये लो, ये काली पहाड़ी की लाल मिट्टी है। जैसे ही तुम छलावा को ढूंढ लोगी, वैसे ही तुम इस मिट्टी को उसके ऊपर डाल देना, छलावा का वहीं अंत हो जाएगा। अब जाओ बेटी। शुक्रिया अम्मा। उसके बाद ज्योति जल्दी से अपने स्कूल पहुंचती है। तभी वो देखती है कि स्कूल में सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये तुम लोग क्या कर रही हो? रुक जाओ, होश में आओ, इस स्कूल को छलावा लग चुका है, तुम लोग होश में आने की कोशिश करो। तभी सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हारी ससी में मक्कारी और बुजदिली नजर आ रही है। अरे चुप कर, इन मासूमों को मारकर तुम्हें क्या मिल रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। एक दिन सबको मरना है, आज हम तो कल तुम। उसके बाद फिर सभी बच्चे एक दूसरे को मारने लगते हैं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। डरपोक बुजदिल, छल से किसी की जान लेने वाले कायर होते हैं, और तुम वही हो। कायर हो तुम, कायर। कायर तो तुम इंसान हो जिसने धोखे से मेरी जान ले ली। ये धोखा और छल मैंने तुम इंसानों से ही सीखा है, और अब मैं उसी छल से सबको मार डालूंगी, सभी को मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा। तभी ज्योति उस काली पहाड़ी की मिट्टी को उस छलावे के ऊपर डाल देती है, जिससे छलावे की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, और फिर सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ आती है और कहती है, मुझे पता था बेटी, तुम इस छलावे से सबकी जान बचा सकती हो, और देखो तुमने सबको बचा लिया, और तुमने छलावे की आत्मा को मुक्ति भी दिला दी।